हमने यहाँ पे इसकी यहाँ पे मैंने रख दिया इसकी टोटल काउंट की किस महीने में कितने बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है। अब मुझे चाहिए इसमें कम्युनिटी टोटल मतलब कि रनिंग टोटल, जैन जुलाई कितना हुआ, जैन मार्च जुलाई कितना हुआ, होता ना कि जैन में 5 रुपए की अर्निंग की, पहले पे 5 रुपए की, तो जैन जुलाई के मार्च में 10 रुपए की, होती है ना कम्युलेटिव टोटल। आप लोग नहीं, पढ़े होंगे। एक मिनट सुजीत जी, मैं बीच में तो शोर था, अब हम क्या कर रहे हैं ये बताइए। ये तो समझ में आ गया जो आपने अभी पिवट बनाया, लेकिन हाँ, क्या करना क्या है मैं ये समझ। वही तो बता रहा हूँ, मुझे क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए, रनिंग टोटल। जैसे कि क्यूमुलेटिव टोटल यहाँ सारे पे, महीनों का। हाँ जैसे कि यहाँ पे चाहिए 9, यहाँ पे 8 और 9 कितने हुए, 17 हुए, यहाँ पे 17 और 8 25, 25 और 8, इस तरह से क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए हमें। ठीक है, तो इस केस में हम अलग तो कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम अलग से करेंगे तो पिवट का पार्ट नहीं रहे, क्या सर? तो हमें पिवट के अंदर ही कुछ करना हो, तो मैं यहाँ पे देखिए समराइज वैल्यू दिख रहा है, इसके बगल में आपको दिखेगा शो एज वैल्यू, जहां पे लिखा रहता है नो कैलकुलेशंस। ये आपने राइट क्लिक किया था इसके ऊपर क्या? नहीं, राइट क्लिक नहीं किया, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, वैल्यू फिल सेटिंग में जाइए, और यहाँ होता है ना कि जहां पे हम बताया, अभी बताया था आपको ना, जहां से आप चेंज कर सकते हैं जी सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, उसी वाले विंडो, जी वैल्यू फिल सेटिंग वाले विंडो पे जाइए, उस पे यहाँ पे शो वैल्यू एज पे आइए, और यहाँ जहाँ पे नो कैलकुलेशन लिखा हुआ है उस नो कैलकुलेशन को ड्रॉप डाउन कीजिए, एंड यहाँ पे देखेंगे नीचे ड्रैग करेंगे तो रनिंग टोटल, अगेन रनिंग टोटल बाय द होल मंथ आ गया, नहीं तो मंथ ऑफ जिसके अकॉर्डिंग आप रनिंग टोटल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, पर इस पे देन उसको ओके कर दें, तो ये आपका आ गया कंप्लीट टोटल। आप चाहते हैं कि इसका नंबर दोनों चाहिए, तो इस वैल्यू वाले फील्ड में एक बार और उठा के फुल नेम को रख दो, समझ में आया? हेलो, हाँ सर, इसमें से और क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? चलिए एक बार फिर से करके बताइए ना जरा। मैं बता रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे, तो इसके यहाँ इस पे एरो निशान पे क्लिक करोगे तो वैल्यू फिल सेटिंग पे चले जाएंगे, वहां पे एक नया टैब है जो है शो वैल्यू है, उस पे क्लिक करेंगे, नो कैलकुलेशन को ड्रॉप डाउन करेंगे और अपना कैलकुलेशन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरे रनिंग टोटल करना है तो रनिंग टोटल को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो यहाँ पे रनिंग टोटल आ गया। रनिंग टोटल परसेंटेज चाहिए तो यहाँ रनिंग टोटल परसेंटेज कर दीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा, क्या अप्रैल महीने में टोटल का 9% था, मई में 17% हो गया, 25% हो गया, 33% हो गया, 40% हो गया, टोटल किया था साइड में, वो कैसे किए थे साइड क्या टोटल? में? टोटल किया था ना इसके पहले। आप देख नहीं रहे हैं क्या? वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद शो वैल्यू एज पे यहाँ पे रनिंग टोटल है, इस रनिंग हाँ वो टोटल तो ठीक है, को, वही। हाँ हाँ तो फिर क्या टोटल चाहिए आपको? रनिंग टोटल इन हाँ रनिंग टोटल आ गया और इसका परसेंटेज आ गया कि इसका ओवरऑल जो है उसमें कितना परसेंट है, 100 इसका टोटल था ना, तो 100 सबको डिवाइड कर दिया जाए, नहीं,
नहीं वो ठीक है, तो ये जो साइड वाला जो आप कॉलम आया सी आया, इसको क्लिक करने के बाद आया क्या? नहीं हम यहाँ रखेंगे तो आएगा ना। ओ अच्छा, हम उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं ना, अब ध्यान से नहीं देख रहे हैं संजीव जी। अच्छा समझ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ नहीं समझे, बताता समझे। देखिए जैसे कि मान लीजिए ना कि मैं अभी कॉल एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको समझ में आएगा। मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ, मैं डिपार्टमेंट लिया और यहाँ पे डिपार्टमेंट की सैलरी आ गई और सैलरी को मैंने इसको सम कर देता हूँ, सम आ गया राइट। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे पता करना है कि किस डिपार्टमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है सैलरी का। मतलब कि हमारा खर्चा अगर 62,90,000 रुपए है तो कौन सा डिपार्टमेंट का कितना शेयरिंग है इसमें, ताकि हम उस डिपार्टमेंट से उतना अर्निंग का परसेंटेज रख सके ना। मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट अगर 40% हमारा खर्चा हो रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट से 40% अर्निंग भी तो आनी चाहिए। तो मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो अगर मैथमेटिकली बात करें तो क्या करना है कि 62,90,000 है, इस 62,90,000 को हजार से बाकी जितने वैल्यू उसको डिवाइड करना है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मुझे अगर इसको तो मैनुअल करना पड़ेगा, बट मैं मैनुअल करना नहीं चाहता क्योंकि मैनुअल करूंगा तो पिवट का पार्ट नहीं रहेगा। कल के डेट में पिवट अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है तो वो भी अपने आप को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लेगा। तो यहाँ सम ऑफ सैलरी पे गया, वैल्यू पिन सेटिंग पे गए और सम पे गए। तो अभी क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने अभी क्या किया कि इस सैलरी को रखा है उसी पे कर रहा हूं, मान लीजिए परसेंट मैंने आगे कर दिया परसेंटेज ऑफ कॉलम नंबर, तो उसी को चेंज करिए। लेकिन मुझे सैलरी भी चाहिए और कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, तो उस केस में मैं सैलरी को उठा के दो बार रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे वाले के वैल्यू फिर सेटिंग में जाऊंगा, इसको सम कर दूंगा और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम को रोटेट कर दूंगा। और परसेंटेज ऑफ कॉलम को रोटेट क्या है, चलिए इसके बारे में एक बार हम जिक्र करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिटी को उठाते हैं और कॉलम में रखते हैं और फिर इसकी वैल्यू इन सेटिंग पे जाते हैं, सो वैल्यू में। अभी देखिए कि परसेंटेज ऑफ ग्राम को तो मैं करूंगा, तो क्या करेगा कि हर एक वैल्यू को 62,90,000 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ ग्राम टोटल की याद करें तो ग्राम टोटल के भी आपको परसेंटेज निकल जाएगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ कॉलम में टोटल करूंगा तो क्या होगा कि जो कॉलम की टोटल्स है ना, एक कॉलम का टोटल इससे डिवाइड कर देगा, एक इसकी कॉलम की टोटल इससे डिवाइड होगा, तो हर कॉलम का टोटल उससे डिवाइड हो जाएगा और परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ रो टोटल करता हूं तो क्या होगा कि जो रो की टोटल है ना पे, इससे इसके रो को डिवाइड कर। तो अभी क्या है कि एज पर एक्चुएशन आप यहां पर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परसेंटेज निकालना आ गया आपको, रनिंग टोटल, रनिंग टोटल परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ कॉलम रो एंड ग्राम टोटल, ये समझ आ गया। संजीव जी? हाँ सर समझ में आया जी। हाँ अब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं इसमें। मान लीजिए कि मैं परसेंटेज ऑफ एक पर्टिकुलर इसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं देखना, मान लीजिए कि मेरा कंपनी ने बजट दिया हुआ है कि इतना बजट है हमारा, तो मुझे देखना है कि किसने अपने बजट पे क्या परसेंटेज दे रखा है। बजट समझते हैं ना, मान लो कि कंपनी ने बोला भाई सैलरी का बजट आपका जो है 90 लाख का है, तो आप 90 लाख तक के बंदे को हायर कर सकते हो। तो खर्चे का एक बजट दिया जाता है कि आपके महीने का खर्चे का जो बजट है, साल का खर्चे का बजट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है
जो एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो अपने शिक्षकों को मेंटेन करता है। ठीक है, तो मुझे पता करना है बजट पे, 15 लाख मान लीजिए बजट है हमारा, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम कैसे बजट डिस्ट्रीब्यूट करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैनुअली तो नहीं कर सकते हैं, किसी को किसी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डेटा पे आएंगे, और डेटा पे आने के बाद सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम बजट लिख देते हैं, बजट भी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, और बजट में मैं यहाँ पे सैलरी 15 लाख कर। अब प्रॉब्लम है कि पिवट में, जब पिवट लगाया हुआ था उस पिवट में आया नहीं, नहीं आया ना, पिवट में ये आया नहीं, तो कैसे आया? देखिए, जब मैंने पिवट लगाया था तो मेरी डेटा की सिलेक्शन जो थी ये करती, मतलब कि 101 तक की सिलेक्शन थी, राइट। लेकिन हम जो एंट्री किए 102 पे एंट्री था, तो जब पिवट में कोई नया डेटा ऐड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि डेवलप यहाँ पे पिवट टेबल की एनालाइज पे जाके और यहाँ पे आता है फिल आइटम सेट, इसमें माफ कीजिएगा फिल आइटम सेट नहीं, यहाँ चेंज सोर्स डेटा, चेंज सोर्स डेटा, इस पे क्लिक कीजिए और अपने सोर्स को रीसेलेक्ट। ठीक है, अब इसे ओके करूंगा मैं, सॉरी ना सिलेक्शन होंगे। अब यहां देखिए बजट आ गया, अब मुझे क्या करना है इस बजट के, तो जो बजट है इस बजट से बाकी सबको डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू फिल सेटिंग पे जा रहा हूं, सो वैल्यू एज पे नो कैलकुलेशन की जगह पे मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ले रहा हूं, और परसेंटेज ऑफ में डिपार्टमेंट में बजट सिलेक्ट कर लिया, एंड देन ठीक है, आगे जाओगे सर। तो इसमें इसी तरह से और भी कैलकुलेशंस हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा उसको हम कल की क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस कॉलम टू कॉलम, जैसे मान लीजिए कि सैलरी है, बोनस है एंड ओवरटाइम, राइट, सैलरी बोनस एंड ओवरटाइम, इसका हमने सम निकाल लिया। ठीक है, सैलरी बोनस एंड ओवरटाइम, इसका हमने सम निकाल लिया। अब हमें करना क्या है कि इन तीनों का टोटल यहां पे ग्रांड टोटल आना चाहिए, सेकेंड हैंड कि हाँ इतनी सैलरी दी गई, तो मैनुअल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कैसे करें, तो इसके लिए हम जो है पिवट टेबल में आएंगे, एनालाइज में फिल आइटम सेट में कैलकुलेटेड फिल का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा बताएंगे क्या क्या किया है आपने, यहां कैलकुलेटेड फिल, कैलकुलेटेड फिल आइटम एनालाइज में ना, हाँ कैलकुलेटेड फिल, ठीक है।
एक सेकंड के लिए कॉल आ रहा है। हेलो, नमस्कार। तो यहां पे हम करेंगे टोटल, हेलो नहीं बोल तो रहा हूं, मैं डीएम नहीं होता है, हम सिर्फ एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग देते हैं। तो कैलकुलेटेड फील्ड में हम क्लिक किए और क्लिक करके यहां पे हमने टोटल यहां लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ये सैलरी प्लस हमने बोनस को सिलेक्ट किया प्लस ओवरटाइम को सिलेक्ट किया। तो हमने एनालाइज के अंदर जाके कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक किया एंड टोटल यहां पे हेडिंग जो डालना चाहते हो वो हेडिंग डाल दीजिए और नीचे जिस जिस फील्ड को सम करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये वाला फिर से करके बताइए जरा आपके सामने, बताइए क्या दिक्कत है इसमें आपको, ये तो किया क्या है कुछ मैंने एक बार, ये फॉर्मूला में डाले है ना इसको फिर से करके बताइए ना खाली। ये सैलरी आपने टाइप की थी और नीचे से सेलेक्ट की थी, जैसे सैलरी बोनस नीचे से सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट आइटम पे क्लिक कीजिए, यहाँ आ जाएगा। एक बार करके बताइए ना जरा, लीजिए सर इन सैलरी डाला, यहाँ पे हमने इसको प्लस किया, प्लस डाल इंसर्ट किया, फिर प्लस डाला, फिर ओवर टाइम किया, फिर प्लस डाला। ओके यहाँ पे इंसर्ट करते गए आप, ठीक है, गुड आउट आउट, सही है, समझ में आ गया। हाँ सुनिए सर, आगे बढ़े सर, इसका ये सिर्फ ये टोटल का तीनों आ गया, अगर इसको आप ओके करते हैं। हाँ ओके कर या, तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल आ गया। अच्छा ये तीनों का टोटल आ गया, ये और ये डॉलर्स में आ जाएगा, मतलब जो जो भी करेंसी में वो करेंसी में आ जाएगा। हाँ डॉलर आ जाएगा, ठीक है, वो तो फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग, वो तो फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग आप हटा सकते हो, दिक्कत। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो अब मान लीजिए टोटल पे मुझे मान लीजिए इसका टैक्स निकालना है, 15% टैक्स निकालना है, तो टैक्स कैसे निकालेंगे? तो आप इसकी जो टोटलिंग की है ना वो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेटर फील्ड में जाएंगे और मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया टैक्स और नीचे टोटल में मैं यहाँ पे टोटल सेलेक्ट लिया, जो टोटल ने क्रिएट किया था आ गया टोटल, इसको इंसर्ट किया और मैंने इसको बोला 15% एंड एंड तो टैक्स भी आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है सर, तो इस तरह से कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसके अंदर, तो जो चाहे वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो।
अब चाहो अपना फॉर्मूला, इसका एक्सेल फॉर्मूला लगाना, तो एक्सेल फॉर्मूला भी आप इस पे लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए, जो नॉर्मल कैलकुलेशन है, फील्ड कैलकुलेशन है, इसको ट्राई कीजिए, फिर जहां पे दिक्कत होगा वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में कोई डाउट है आपको? नहीं नहीं, अभी इसका वो जो रिकॉर्डिंग होगा ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग है, अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग मैंने अपडेट भी कर दिए।